दोस्तों मैंने खुद भी बहुत बार देखा है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स जिनके क्रिकेट स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, बावजूद इसके वो डिस्ट्रिक्ट खेल रहे हैं। सिर्फ क्रिकेट स्किल्स की ही कमी नहीं है वहाँ दोस्तों, कई सारे ऐसे प्लेयर हैं जो क्रिकेट से उतने इमोशनली अटैच भी नहीं है, गेम सेंस भी उतना उनको नहीं है, बावजूद इसके वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहे हैं, लेकिन उनसे कहीं बेहतरीन प्लेयर्स अब तक एकेडमी में ही खेल रहे हैं। तो ऐसा इसलिए भी होता है कि बहुत सारे ऐसे सेलेक्टर्स होते हैं जो उतने अच्छे से परख नहीं पाते हैं खिलाड़ियों को ट्रायल्स के दौरान, तो कुछ ऐसे प्लेयर्स का सिलेक्शन हो जाता है जो उतना बेहतरीन नहीं होते हैं, या फिर किसी एकेडमी के कोचेज के द्वारा। ये जो एक चीज है दोस्तों वो कहीं ना कहीं चीटिंग भी मानी जा सकती है, इसके बारे में आगे बात करेंगे कि आखिर कुछ खिलाड़ियों का जो सिलेक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाता है, उसमें एकेडमी के जो कोचेज होते हैं उनकी क्या गलत भूमिका होती है, वो किस तरीके से चीजों को गलत कर देते हैं और इस वजह से ऐसे कुछ खिलाड़ियों का सिलेक्शन हो जाता है। दरअसल दोस्तों कई बार आपने यह भी देखा होगा कि कुछ प्लेयर्स जब डिस्ट्रिक्ट एक या दो साल खेलते हैं उसके बाद उनका कुछ क्रिकेट करियर बेहतरीन नहीं होता, बल्कि उनका वहां से सिलेक्शन जो है दोस्तों वो उनको वहां से कहीं ना कहीं किकआउट कर दिया जाता है, उनको डिस्ट्रिक्ट टीम से जल्द ही बाहर कर दिया जाता है। यहाँ पे दरअसल कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीटिंग सीखी गई होती है बहुत बार तो सेलेक्टर्स नहीं समझ पाते और बहुत बार चीटिंग हो जाती है, और इस चीटिंग वाली जो चीज है दोस्तों ये जो मैं कह रहा हूँ वो दरअसल एक्सपीरियंस्ड है, मैं किसी भी चीज को हवे में नहीं बोल रहा हूँ बल्कि ये एक्सपीरियंस है दोस्तों। दरअसल मैंने यह भी देखा है कि कई सारे कोचेज होते हैं जो अच्छे खिलाड़ियों को जिनकी क्रिकेट स्किल्स अच्छी है उनको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि जब ट्रायल्स वगैरह होते हैं तो अपने एकेडमी के ही कुछ ऐसे प्लेयर्स को वो आगे करते हैं, कहीं ना कहीं अपना फेस बताते हैं दोस्तों ऐसे प्लेयर्स को जो उनके कहीं ना कहीं वो प्लेयर्स जो क्रिकेट से इतर चीजें करते हैं कोच के लिए वो क्रिकेट के अलावे भी कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो कहीं ना कहीं उतनी बेहतरीन नहीं है अगर आप एक क्रिकेटर के तौर पर बात करें तो ये सारी चीजें होती हैं जो एक प्लेयर को नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक प्लेयर को सिर्फ अपने क्रिकेट स्किल्स पर ध्यान देनी चाहिए और ये जो है वो कोच को समझनी चाहिए कि उनको कैसा प्लेयर चाहिए है, उनको कैसे प्लेयर को प्रमोट करना है। क्योंकि होता यह है कि जब आप एक खराब प्लेयर को प्रमोट करते हो किसी भी सिलेक्शन में या फिर कहीं पे कैंप वगैरह भेजते हो तो वो आगे जाकर के आपकी एकेडमी का ही नाम खराब होता है, क्योंकि उन खिलाड़ियों को अक्सर ही किकआउट कर दिया जाता है, टीम से जल्दी बाहर किया जाता है। और कोचेज जिन प्लेयर्स को दरअसल प्रमोट करते हैं कुछ ऐसे खिलाड़ियों को, वो इसलिए करते हैं क्योंकि या तो वो उनसे कुछ चार्जेस वगैरह ले रहे होंगे ज्यादा, ऐसा हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ फेवरेट खिलाड़ी। दोस्तों एक चीज समझ नहीं आती कि किसी कोच या टीचर का कोई स्टूडेंट या प्लेयर आखिर फेवरेट कैसे हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे फेवरेट जैसी कुछ चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रिकेट खेलते हो आपको हमेशा एक बूस्ट की जरूरत होती है, मोटिवेशन की जरूरत होती है, और वो कोचेज से बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन अगर वही कोचेज किसी एक प्लेयर को अपना फेवरेट बना करके रख लेंगे तो फिर और जो प्लेयर्स हैं एकेडमी के उनके कहीं ना कहीं जो क्रिकेट स्किल्स है वो बेहतरीन नहीं हो पाएगी, सीधी सी बात है, क्योंकि वो फोकस जो है कोच का वो कहीं और ही रहेगा, किसी और एक प्लेयर के लिए रहेगा, जिस वजह से उनका मोटिवेशन भी खराब होगा उन प्लेयर्स का जिन पे उतना फोकस नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो अच्छे प्लेयर को भी खराब कर सकती हैं, और जिस वजह से अच्छे प्लेयर्स भी कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और सही टाइम पे उनका सिलेक्शन हो नहीं पाता है। तो अगर आपके साथ किसी कोचेज के द्वारा भी ऐसी चीज हुई है दोस्तों तो आप जरूर बताइए। एक तरफ तो यशस्वी जायसवाल के कोच हैं जो उनके लिए सब कुछ कहीं ना कहीं दांव पे लगा चुके थे अपना एवर्ड, और उसके बाद अब वो प्लेयर इंटरनेशनल खेल रहा है, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन भी कर रहा है। तो एक तरफ ऐसे कोचेज हैं और एक तरफ ऐसे भी कोचेज हैं जो कुछ चंद पैसों के लिए भी कई बार अपने अच्छे खिलाड़ी के साथ चीटिंग सा कर लेते हैं। दरअसल दोस्तों ये सारी चीजें हो गई, अब आपको आखिर खेलना कैसे है, अच्छे लेवल पे आप कैसे खेलोगे, इन चीजों को आप कैसे बीट करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे, इस बारे में बात करें तो आपको बता दूं कि आपको किसी भी हाल में घबराना नहीं है दोस्तों कि यार मेरे से कमजोर प्लेयर का सिलेक्शन हो रहा है, मैं नहीं खेल पा रहा हूँ। आप देखिएगा अगर कोई खिलाड़ी उतना स्किलफुल नहीं है तो उसे जल्द से जल्द जिस भी जगह पे सेलेक्ट किया जा रहा है वहां से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, और उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको किसी भी स्थिति में अपने प्रोसेस से नहीं हटना है। आपको अच्छी क्रिकेट स्किल्स अगर चाहिए है तो आपको लगातार अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी, आपको प्रैक्टिस लगातार करनी होगी। तो ये सारी चीजें अगर आप करेंगे हो सकता है कि थोड़ा ड्रिले हो कुछ टाइम लगे आपका सिलेक्शन में किसी अच्छे लेवल पे, लेकिन बता दूं अगर आप अच्छे से क्रिकेट खेलोगे दोस्तों तो निश्चित तौर पे आप डिस्ट्रिक्ट स्टेट आईपीएल सारी चीजें खेल पाओगे। बहुत सारे गरीब दबके रह के भी प्लेयर्स हैं दोस्तों जो आईपीएल तक खेल रहे हैं, तो अगर आप में वो क्रिकेट स्किल्स है तो आपको जरूर से मौका मिलेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं, क्रिकेट एक्टिविटीज आ गई हैं
जो अब उन खिलाड़ियों को भी बहुत ज्यादा मौके दिला रही है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं हो पा रहे हैं कि वो बहुत लंबे समय तक क्रिकेट को सर्वाइव कर सके। तो ऐसे में आप बिल्कुल फोकस्ड रहिए दोस्तों, अपने प्रोसेस को ध्यान में रखिए, हमेशा उसको कहीं ना कहीं फॉलो कीजिए। कोचेज जो कह रहे हैं, जो क्रिकेट स्किल्स आपको वो सिखा पा रहे हैं, उसमें आप जरूर से ध्यान दीजिएगा उनकी हर बातों को। कहीं ना कहीं ये तो कोशिश आपको करना ही है कि आपकी क्रिकेट के इधर उनसे रिलेशन अच्छा हो या ना हो, बट आपको क्रिकेट में उनसे निश्चित तौर पर वो आपके गुरु हैं और आपको उसी अंदाज में उनको मानना है, उनको समझना है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको अच्छा खिलाड़ी बना सकता है, आपके डिसिप्लिन आपको बहुत बढ़िया लेवल तक लेकर के जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी और आप एक अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेल पाओगे। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को जरूर से लाइक कर लीजिए, और क्रिकेट करियर में अगर आपको कोई परेशानी आ रही हो, लाइक हो सकता है कि बहुत बार पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं बच्चों को मना करते हैं क्रिकेट खेलने से, तो उनको कैसे कन्विंस करना है अच्छे तरीके से, और क्या सारी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है क्रिकेट करियर में, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो कमेंट्स वगैरह हैं उसका रिप्लाई कर दूं, या फिर अगर सेम क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे एक ही तरीके के तो हो सकता है मैं वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दूं दोस्तों, और आप उस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो निश्चित ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, जो भी इमीडिएट कमेंट है आप कीजिए। इसके अलावा चैनल को अगर आप ऐसे और भी वीडियोज देखनी चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बी से एंड आई लव यू ऑल।